हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुष्मिता। आज मैं बायोटिक के एक फेस पैक की रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि हर प्रोडक्ट की रिएक्शन हर स्किन टाइप में सेम नहीं होती है। अगर मेरी स्किन में कोई प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्किन में भी नहीं करेगी। तो आपकी स्किन के लिए जो बेस्ट है वो आपको ही फाइंड आउट करनी होगी और उसके लिए आपको वो ट्राई करनी होगी। इसलिए अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और इंग्रेडिएंट्स बहुत मैटर करती है, इंग्रेडिएंट्स देख के ही आप प्रोडक्ट को परचेस कीजिए। सो गाइस, आज मैं इस प्रोडक्ट की रिव्यू करने वाली हूँ, बायोटिक बायोफ्रूट व्हाइटनिंग डी पिगमेंटेशन एंड टैन रिमूवल फेस पैक फॉर ऑल स्किन टाइप। एंड पहले इसकी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ, और इसकी जो डेमो है वो वीडियो की लास्ट में आप लोगों को मिलेगी। गाइस, आप देख सकते हो कि इसकी बैक साइड में इसकी पूरी डिटेल्स है, और इसमें जो जो डिटेल्स है जो आपको जानना जरूरी है वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। क्लेम करती है कि इस फेस पैक में विटामिन, न्यूट्रिएंट्स एंड स्किन ब्राइट करने वाले प्रॉपर्टीज है, और इसमें है पाइनएप्पल जूस, टोमेटो, लेमन एंड पपाया फ्रूट टू विजिबली लाइट एंड स्किन फॉर अ फेयर एंड फ्लॉलेस लुक। विथ रेगुलर यूज स्किन रिक्लेम्स इट्स सॉफ्ट, स्मूथ एंड यूथफुल टोन एंड टेक्सचर। अब इसकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। मुल्तानी मिट्टी पाउडर, गेरू पाउडर, यशत भस्म, टोमेटो जूस, पाइनएप्पल जूस, बाबुल गोम। अब इसमें दिया हुआ है कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। आप पहले आपकी फेस को क्लीन कर लो, उसके बाद इसको आप फेस पे अप्लाई करो, उसके बाद 15-20 मिनट्स के बाद अपनी फेस को फिर से क्लीन कर लो। एंड सो इस पैक में लिखा गया है कि इसको आप डेली यूज कर सकते हो, और या आपकी स्किन की ब्राइटनिंग के लिए जितना दिन आपको यूज करने की जरूरत है, मतलब वीक में जितनी बार आपको यूज करने की जरूरत है वीक में या मंथ में, आप उसको वैसे यूज कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इसको डेली यूज मत कीजिए, डेली यूज करने की जरूरत भी नहीं है। गाइस, अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इस फेस पैक के साथ मेरी एक्सपीरियंस कैसी रही है। अगर आप आपकी स्किन को हेल्दी मेंटेन रखते हो, मतलब आपकी स्किन ऑलरेडी क्लियर है बहुत, मतलब थोड़ी हद तक वो क्लियर है, आप उसको मेंटेन रखते हो, सीटीएम प्रोसेस फॉलो करते हो, और बहुत ज्यादा स्किन में प्रॉब्लम नहीं है, आप आपकी स्किन को मेंटेन कर रहे हो, उस वक्त अगर आप इस फेस पैक को अप्लाई करोगे तो आपको बहुत अच्छी रिजल्ट दिखेगी आपकी फेस में, आपकी फेस ग्लोइंग दिखेगी, ब्राइट दिखेगी। और अगर आपकी फेस में बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप आपकी स्किन को हेल्दी मेंटेन नहीं करते, मतलब जो सीटीएम प्रोसेस है वो ठीक से फॉलो नहीं करते हो, और उसकी वजह से आपकी स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम आ चुकी है, अगर उस वक्त आप इस फेस पैक को अप्लाई करोगे तो आपकी स्किन में उतनी अच्छी रिजल्ट नहीं दिखेगी। मुझे इसकी कलर बहुत पसंद है। मैंने इसको अप्लाई कर लिया है और मैं वेट करूंगी 20 मिनट्स के लिए। गाइस, अगर आपको इसे अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो, अगर इसकी कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी सी ड्राई लगे, तो पहले आप अपनी फेस को वेट कर लीजिए, पानी से या रोज वाटर से अपनी फेस को वेट कर लीजिए, उसके बाद इसे अप्लाई कर लीजिए, उसमें आपको अप्लाई करने में आसानी होगी। गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरी चैनल को। उसके पास में जो छोटी सी बेल आइकन है उसको हिट करना मत भूलना, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगी। और अगर आप चाहो तो इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, आपको स्टोर में भी मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। मैं कोशिश करूंगी इसकी लिंक अगर हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।